जय डुगर जय जम्मू मैं सुदर्शन भार्गव तुम दिखा दो एस बी कठुआ न्यूज। जियां कि तुसें पता के पिछले दिन मैं खबर लाई ही कि जो कुछ लोग हैं जेड़े दरिया रावी दरिया के कंढे मंजली च रोंदे ने जिंदी जगह सरकार द्वारा खाली कराती जा रही है कह के उत्थे इंडस्ट्री बननी है तो ये लोग बड़े परेशान ने इत्थे ने गला दे कि इत्थे मकान बना लिया जमीन अस पदरी कर लिया सब कर लिया लेकिन सानू फिर भी इत्थों आखा दे उठ आओ इत्थों इत्थे इंडस्ट्री लगनी है। आओ अज इंदा डेपुटेशन जिहड़ा आ भाजपा के नेता ने प्रेम नाथ डोगरा और उनकी अध्यक्षता से डीसी कठुआ के नाल मिले। आओ उन्हें पूछा कि डीसी कठुआ के नाल मिले तो इनकी क्या गलबात हुई है इनकी। डोगरे पहले एस पी कठुआ थोड़ा स्वागत है जी धन्यवाद। अच्छा दस रही तुम अब डेपुटेशन लेकर आए मंजली के लोग आए लेकर तो क्या समस्या ही और क्या गलबात हुई थोड़ी बेसिकली की है कि तुम जान दो कि जरा कठुआ का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था ठीक है ना वो गया भाग थली और जी मंजली की जगह है वह चूज खिंची रही है साड़ा जो ऑब्जेक्शन आखना मतलब कि ठीक इंडस्ट्री तो लानी है लेकिन जो इंसान है वो भी तो प्रेफरेंस रखनी है ना पहले और ये भी लोग ना कम कम पाँह पाँह साल के चाली चाली साल के तीस साल के इतने रवे दिन जहाँ तो पहले नहीं ना बसन देना उसे कि इन्ना ज्ञान तो होंगे नहीं है कि जमीन की क्या किस्म है ठीक है ना जरा नहीं बसी तो कुछ लोगों ने परचेज भी खिंची दी है जमीन इस वास्ते सारा इनका आखने का मतलब है मेरा भी ये आखने का मतलब है कि लगभग 150 वाली फैमिली है ना इन्हें की डिसलोकेट करना जो कोई अच्छी गल नहीं है ठीक है ना इंडस्ट्री लगानी है इंडस्ट्री का कोई खिलाफ नहीं है लेकिन जो रोने का स्थान है वो भी तो कुछ ना कुछ प्रिजर्व करना है। डॉक्टर साहब एक बड़ी चीज है कि अगर वो गलाल की जगह सरकार है जगह तो छुड़ा दे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा उत्थे लगे दा है जल जीवन मिशन का पैसा उत्थे लगे दा है फिर उसी पुट्टा दे ये गल मैं तुम्हें उ गल आखना ना कि एक तो देखो जो ऑफिशियल ने या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होंगी वो समझ नहीं लगती एक पास तुम आवास योजना मकान दें दूसरे पास पाइपा भी लाई देंगे सड़क भी बनाई देंगे फिर तुम आ बिजली भी देंगे फिर उसको नसो फिर वो कुतना कुत जस्टिस नहीं करने वाली गल होती। मेरा ये आखना मतलब है कि इंसान पहले है जी जरूरत उनका ध्यान रखा जा और जो लोग सारे भी हैं इन्हें भी दिखे जा इन्हें भी कोई परिवार न रोने वाले डंगर बच्चा भी है ठीक है ना उन्हें सारे चीजें की ध्यान च रखी है जो फिर कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि कुछ की कोई तकलीफ नहीं हो। उन्हें आखिया कि मैं इस चीज की स्टडी करगा मैं कोशिश करना कि जी मेरे को हेल्प हो सकती है ठीक है ना इंडस्ट्री तो रुकनी नहीं है जी हेल्प हो सकती है मैं करना ठीक है। देखो हम इन लीडर ने मोहम्मद शरीफ और उन्हें भी गलबात करने कि पूछने की गलबात के हुई है और एक लोग क्या चाहते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आप एसपी कठुआ मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन वक्तन हर टाइम हमारे पास पहुंच जाते हो। देखिए मैं उस दिन स्पॉट पर भी गया था आप गए आपने इस बात को उठाया मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम डीसी साहब से मिले हैं प्रेमनाथ डोगरा साहब की अध्यक्षता में डीसी साहब से हमारी यही बात हुई है कि अगर वहां पे फैक्ट्री बनाई जा रही है ये जगह फैक्ट्री को अलाट की जा रही है तो मुझे ये चीज बताएं कि आज एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कुछ वहां पर जाकर तहसीलदार साहब जाकर कह रहा है कि आप यहाँ के मालिक नहीं हो ये जगह किसी फैक्ट्री को बेच दी गई आप यहाँ से निकल जाओ। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बात डीसी साहब को भी कही है और आप सबके सामने पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या जिस एडमिनिस्ट्रेशन के बीडीओ ने वहां पर 50 आवास प्लस योजना के केस देकर लोगों के मकान बनाए क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं था क्या? जिस एक्शन ने वहां पर लाइट की व्यवस्था दी है क्या वो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था क्या? क्या जिस एक्शन ने वहां पर वाटर की सप्लाई वहां पर बहाल की है क्या वो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था क्या? तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इन लोगों को वहां पे बसाया जब ये चीजें इनको सहूलियत दी जा रही थी तो तब ये बात क्यों नहीं कही कि ये सरकार जगह है तो आप यहाँ पे मत बैठो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर पहले इस पेड़ को वहां पे लगाया गया अब इस पेड़ की छाया में वहां पे कम से कम 150 परिवार बैठ रहा है तो अब इस पेड़ को क्यों जड़ से काटा जा रहा है? अगर फैक्ट्री बनानी है तो गवर्नमेंट के पास जगह की कमी नहीं है कहीं और बना सकते हैं। मेरा तो सीधा और स्पष्ट एक ही कहना है मीडिया के माध्यम से डीसी साहब को भी मैंने ये बात कही है कि मेरे वहां पर 150 परिवार का मसला है। मैं हर एक मसले को बड़ा इमोशनल लेता हूं लेकिन जब मेरी कौम पे कोई बात आए ना मैं बहुत ही एक दिल से इस बात को लेता हूं क्योंकि मेरी कौम ने 70 साल से मारे खाई हैं। मेरी कौम को नेशनल पीडीपी और कांग्रेस ने वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया है। 2014 के बाद बड़ी मुश्किल से इस कौम ने एक सिर उठाया था जैसे एक बीज को बोया जाए तो वो बीज फिर से उगता है ना ये वैसे ये जो ये खेती है ये वैसे वहां पे उगी है। भाजपा के टाइम में हर एक चीज मिली भाजपा ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी भाजपा ने गले लगाया इस कौम को आवास प्लस के केस दिए इन लोगों की पेंशनें लगाई गई इन लोगों को हेल्थ कार्ड इशू किए गए। मैं क्या क्या चीजें गिनूं वो मैं गिन ही नहीं सकता टाइम हो जाएगा। लेकिन आज इस अगर पार्टी ने इस कौम को गले लगाया है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन जाकर कहे कि आप यहाँ पे 150 परिवार है तो आप यहाँ के मालिक नहीं हो यहाँ से निकल जाओ तो मेरे लिए ये बात बहुत ही एक दुखीकन बात है
मैं एक दुखी दिल से ये बात कह रहा हूँ कि अगर इन लोगों के साथ वहां पे कोई छेड़छाड़ होती है तो सबसे पहला शख्स शरीफ होगा जो इनके साथ रोड पे बैठेगा, सबसे पहला शरीफ होगा जो भूख हड़ताल पे बैठेगा। मैं एक ही बात कहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेरे गरीब परिवारों का मसला है, इन लोगों ने 70 साल में एक एक किलो दूध का इकट्ठा करके गेंती बेलचा मार के मेहनत मजदूरी करके वहां पे अपने आशियाने खड़े किए हैं। आज इन लोगों को वहां से ना हटाया जाए, इन लोगों को वहां पर ही बसाया जाए और फैक्ट्री को कहीं ना कहीं आगे पीछे कर लिया जाए। 150 परिवार को आप नहीं बचा सकते, आप फैक्ट्री को कहीं और पे लगा दीजिए, फैक्ट्री के लिए बहुत जगह आपके पास पड़ी है। इतने क्रेशर यहाँ पे चल रहे हैं, वो कहानियां आप सबको बता, मैं उसको नहीं बयां कर सकता, वहां पे बनाइए ना, गवर्नमेंट के पास कौन सी जगह की कमी है। इन लोगों के आशियानों को हरगिज वहां से ना छेड़ा जाए, मैं ये गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया। देखो ये मोहम्मद शरीफ ने सनाई पूरी कहानी, एदे करने साड़े को और नेता ने इन्हें पूछने हैं के ना थोड़ा। मेरा नाम अशरफ अली जी। अशरफ अली, आज हम अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ एक डेपुटेशन लेकर डीसी साहब के साथ आए हैं, जो कि हमारे कठुआ के काफी युवा लीडर जितने भी हैं, अब्दुल रशीद साहब, शरीफ भाई, सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आए। हम अपनी एक ही डिमांड लेकर आए हैं, जो कि आप जानते हैं कि कठुआ पाकथली मंजली के में एक इंडस्ट्री जो बनने जा रही है, वहां पे हमारे लगभग 150 घर हैं जिनको वहां से बेघर किया जा रहा है। हम अपनी एक ही गुजारिश लेके आए हैं कि गवर्नमेंट के पास जमीन की कमी नहीं है और हमारे पास जमीन है नहीं है, हमारे जो भी वहां के सेटल लोग हैं उनको वहां से ना हटाया जाए। 150 घर, हर घर में 10 लोग हैं और 150 को आप मल्टीप्लाई कर लो 10 के साथ, 1500 बंदों को वहां से जो बेघर किया जा रहा है और वहां पे इंडस्ट्री लगाई जा रही है। और हम खास बात आपको ये कहना चाहेंगे कि वहां आए से हमारे लोग नहीं है, वहां जो ठासी का जो वहां पे फ्लड आया है वहां पे हमारे लोगों ने वहां पे बह गए थे, 5 लोगों ने शहादत दी है और जिस चीज के लिए हम शहादत दे रहे हैं वो चीज आज कोई कह रहा है कि ये हमारी है। हमें ये बात कह के टाल दिया जाता है कि है तो स्टेट लैंड है ना भाई। स्टेट लैंड किसने बनाई? ऊपर वाले ने, तो एक ही जगह बनाई है, मालकाना हक स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, ये तो यहाँ बना दी भाई। स्टेट लैंड है ये भी तो खुदा के बंदे हुए भेजे हुए बंदे हैं ना, ये भी तो यहीं रहने वाले हैं ना, इसलिए हमारी मुख्तसर जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो काम क्या करते हैं, कैसे गुजारा करते हैं? वो अपना मजदूरी और दूध का पेशा है। एक तरफ से एग्रीकल्चर को या इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट काफी बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें ला रही है और जम्मू कश्मीर में तारीखी कौम है जो दूध और गोश्त पैदा करने वाली है। और आप जानते हैं इन लोगों के चेहरों को देख लीजिए, हर घर के बाहर सुबह अगर दूध लेकर खड़े होते हैं और ये लोग होते हैं, हम आपको दूध पिला रहे हैं और आप हमें घर से बेघर कर रहे हैं, क्या यही अगर यही इंसाफ है तो हम हर गल बात को मानने के लिए फिर आपके साथ हम भी मान लेंगे। अब आप क्या अपील करना चाहते हैं? हमारी एक ही अपील है कि जो हमारे सेटल्ड पोजीशन वाले जो लोग हैं वहां पे, इनके आधार सब कुछ डॉक्यूमेंट वहां के हैं, इनको वहां से डिस्पोज ना किया जाए। अगर इनको वहां से डिस्पोज किया जाएगा तो हम किसी भी हद तक इसमें जा सकते हैं, इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी, बार बार मौदवाना गुजारिश रहेगी कठुआ इंतजामिया से, LG इंतजामिया से और सेंटर गवर्नमेंट से कि यकीनन आपने बहुत काम किए हैं लेकिन इन लोगों के साथ अन्याय ना किया जाए। बाकी ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, शुक्रिया आपका भी। और सब एक भरा और साढ़े उन्हें गला दिया, ऐसा भी कुछ बोलना चाहते हैं, चलो इनकी गल भी सुन लेने, क्या आखना चाहते हैं? ये ना थोड़ा जी। मेरा नाम अब्दुल रशीद पोसवाल है, मैं बीजेपी ST मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं। आज हमारे जहाँ पे हमारी गुजर बरादरी पाकथली जो गुजर बस्ती है वहां से आई हुई है, जिसके साथ कीड़ी कंडियाल के लोग भी हैं, तो मैं आपके आगे यही बात रखना चाहता हूँ कि वहां पे हमारे जो लोग हैं वो 150-200 फैमिली वहां पे सेटल्ड है, तो वहां पे इनको जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो है सिडको कंपनी की। वो वहां पे अपनी कोई प्लांटेशन या कोई अपना कुछ बड़ा कोई प्लांट फैक्ट्री वहां पे बनाएगी, तो इनको प्रॉब्लम है कि वो इन लोगों को वहां से हटाना चाहती है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील रहेगी कि आप लोग, जैसे कि ये पिछले 60-70 साल से वहां पे रह रहे हैं, इन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, ये वोट भी दे रहे हैं, कुछ पार्टियों ने इनका फायदा भी लिया हुआ है, तो सो दैट अगर ये वोट भी डाल रहे हैं वहां पे, आपने इनको एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको फायदा भी दिया है, पाइपलाइन भी है, घर भी दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने आंख बंद करके इनको फायदे दिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में से। अगर आज जाके आप डिमोलिश करोगे जो स्कीमें अपनी दी हुई है या इनके घर को, तो मैं तो कहता हूँ ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी ड्यूटी के लिए, हमारी रियासत के लिए। तो से क्या अपील, हमारी LG साहब से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि हमारी जो कौम गुजर बकरवाल वहां पे बस्ती है उसको
वहीं पे बसना बसा रहना चाहिए और उनके किसी भी घर को बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी इल्तिजा है कि आप उनका साथ दें और जो इंडस्ट्री है उसको थोड़ा परे हटकर बनाया जाए या फिर वो उसको बिल्कुल भी उसकी इजाजत ना दी जाए। जय हिंद जय भारत। देखिए तुहानू साफ गल सुनाउणा, ये लोग ये भाग थली मंजली तरफ मंजली दे रोने वाले गुजर समुदाय लोग ये जिहड़े दरिया के कंढे रोंदे ने बेचारे, इन्हें कुछ जगह खरीदी दियां कुछ हो सकता सरकारी भी हैं, लेकिन इन्हें सरकार ने बड़ा फायदा दिता है। आपू मूहे बोला देने कि सानू भाजपा सरकार ने सानू बड़ा फायदा दिता है, जिसे सानू आवास योजना सानू फायदा थोदा, जल जीवन मिशन का फायदा थोदा, बिजली साढ़े घरें गौरमेंट ने लाई दी है, सड़क साड़ियाँ बना दी, फिर हूँ सानू के जरूरत पे इतू चुकने की कि तुम उठी आओ इतना अस इंडस्ट्री लानी है। तो अस भी गलाने यूटी सरकार के अपील करने कि अगर ये लोग उत्थे बैठे देना तो इन्हें बहनत है क्योंकि इनका कोई बिजनेस है नहीं है, ये सिर्फ इयै मझा रख दिया, इन्हें बकरियां रखी दुद्ध चोई है तो इन्हें अपना टफर पालना होंगे। तो अस भी यूटी प्रशासन अगर अपील करने कि इन लोगों की गल सुनी जाए और नहीं उत्थे नहीं बढ़ा नहीं उठाया जाए उतुआ कुतै होर जी फैक्ट्री बना दी है ना कुतै उस फैक्ट्री कुतै होर लेता जाए और इन्हें लोगों तंग नहीं किया जाए। तुम देखते रहो एस बी कठुआ न्यूज़।